गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड स्टेइंग सेफ एट योर होम. सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सम इंग्लिश सेंटेंसेस विच यू कैन यूज इन योर डेली कम्युनिकेशन स्किल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिलीव मी, मेरा विश्वास करिए. द सेकेंड वन इज कॉल मी बैक. अगर आपके पास में किसी का फ़ोन आता है एंड इफ यू वॉन्ट टू टेल हिम कि जस्ट लाइक कॉल मी आफ्टर सम टाइम और कॉल मी बैक, मुझे दोबारा से कॉल करिए, तब आप बोलेंगे कॉल मी बैक. देन एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी. सपोज़ आपसे कोई कहता है कि भाई आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करिए, तो यस यू कैन से कि यस आई विल सबमिट इट एज सून एज पॉसिबल. जितनी जल्दी उससे हो पाएगा उतनी जल्दी मैं करूँगा. देन आई डो नॉट अंडरस्टैंड, मैं कुछ चीज़ नहीं समझता हूँ, तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे? या मैंने नहीं समझा, मैं नहीं समझ पाया, तो हम बोलेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड. आई डो नॉट मीन इट, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था. हाउ मच इज़ इट, मतलब ये कितना है. हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो. हाउ वॉज योर वीकेंड, आपका वीकेंड मतलब आपका सप्ताहांत कैसा रहा. वॉट डिड यू से, आपने क्या कहा. वॉट डू यू नीड, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है. वॉट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो. वॉट डू यू वॉन्ट टू डू, आप क्या करना चाहते हो. वॉट डू यू वॉन्ट, आप क्या चाहते हो. व्हाट्स द वेदर लाइक, मौसम कैसा है. वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो. इज ऑल गुड, क्या सब ठीक है. इज एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है. What are you doing? आप क्या कर रहे हो. Absolutely not, बिल्कुल भी नहीं. I have no idea, मुझे इसका कोई भी idea नहीं है. I agree, मतलब मैं सहमत हूँ. I am at home, मैं घर पर हूँ. It's on the tip of my tongue, ये मेरे जीभ के ऊपर है. Then it's okay, ये ठीक है. इट रियली टेक्स टाइम, इसमें वाकई समय लगता है. इट्स फॉर ही बेस्ट, नो आई डोंट वॉन्ट. सी यू, नो आई डोंट वॉन्ट मतलब नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता. सी यू मतलब फिर से मिलेंगे. सी यू नेक्स्ट टाइम, अगली बार मिलते हैं. सो आई डू, तो मैं करता हूँ. आई डिक्लाइन मतलब मैं मना कर रहा हूँ. व्हाट्स योर ईमेल एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस क्या है. व्हाट इज़ योर जॉब, आपका जॉब क्या है, आप क्या करते हैं. व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है. व्हाट्स योर फ़ोन नंबर. व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है. व्हेन इज़ द ट्रेन लीविंग, ट्रेन कब जा रही है. हाउ कैन आई गो टू द टाउन सेंटर, मैं टाउन सेंटर कैसे जा सकता हूँ. वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं. आई जस्ट मेड इट, मैंने ये बस अभी अभी बनाया है. Enjoy yourself. Follow me. मेरा अनुसरण करिए. God bless you मतलब it's like blessing कि हम बोल रहे हैं किसी की, भगवान आपकी को आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहे. It's very thoughtful to you. तो इस तरीके से these are several sentences, small sentences which you can use in your daily communication skills, daily routine. It will help you to enhance your confidence and even it will help you to improve your English also. So I hope that you all understand this. Thank you and have a nice day. Bye-bye.